स्मार्ट एजुकेशन GDR में आपका स्वागत है। आज हम नेक्स्ट लेसन पढ़ेंगे आपकी 10th क्लास फर्स्ट फ्लाइट से। जो अगला लेसन है वो है ब्लैक एरोप्लेन। इसके पहले हमने फर्स्ट फ्लाइट पढ़ लिया है, अब ब्लैक एरोप्लेन पढ़ेंगे। ब्लैक एरोप्लेन भी उड़ान से ही संबंधित है, और किस प्रकार लेसन में एक एरोप्लेन उड़ता है और एक तूफान में फंस जाता है काले बादलों के बीच, और फिर एरोप्लेन सेफली लैंड करता है, तो उस एरोप्लेन की किसने मदद की, कैसे वो ज़मीन पे आया, ये सब बातें हम इस कहानी के माध्यम से समझेंगे। आई होप दैट। और फ्रेंड्स, आपसे एक बात और है, मैं कंटिन्यू वीडियो बना रहा हूँ और वीडियो में बहुत अच्छे व्यूज़ तो नहीं आ रहे हैं, तो और देखो क्या है कि वीडियो देखने के लिए किसी को ज़बरदस्ती बाध्य तो नहीं किया जा सकता। जैसे मान लीजिए हम कहें कि एक दवाई है, और हम कहें कि हमारी दवाई हर कोई ले और हर कोई खाए, तो ऐसा तो संभव नहीं है। हाँ, पर जो बीमार होता है वो दवाई को खाता है, और दवाई जब हम खाते हैं तो उसे भी हमें नियम के साथ अच्छे से उसका पूरा कोर्स करना पड़ता है। कोई भी डॉक्टर जो भी डिस्क्राइब करता है दवाई आपके लिए, वैसे ही पढ़ाई है। पढ़ाई के जो वीडियो हैं वो सबके काम के नहीं होते हैं जनरली, पढ़ाई के वीडियो उन्हीं के काम के होते हैं जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, जो बच्चे 10th क्लास में हैं या जो बच्चे 12th क्लास के हैं। अभी मैं दोनों क्लास पर विशेष फोकस कर रहा हूँ क्योंकि ये दोनों बोर्ड क्लास होती हैं, इनके एग्ज़ाम हमारे स्कूल से बाहर होते हैं। तो इस कोर्स को बड़े व्यवस्थित तरीके से कीजिए, और जो भी आपको समझ में ना आए या आपको ऐसा लगता है कि ये चीज़ और अच्छे तरीके से सर समझा सकते थे या ये चीज़ छूट रही है, उसको आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं तो इसलिए वीडियो बनाता हूँ क्योंकि वीडियो बनाने से एक मेरे अंदर भी परफेक्शन आता है। भले ही मैं शिक्षक हूँ, उसके बाद भी जब भी मैं जितने बार भी वीडियो बनाता हूँ तो मैं कुछ नया सीखता हूँ। जैसे हो सकता है पहली बार में मैं कोई वोकैबुलरी, कोई शब्द का मतलब गलत बता दूँ, और दूसरी बार में मुझे ही पता चल जाए कि यार ये मैंने गलत बता दिया था। तो जब भी हम शिक्षा का कोई भी काम करते हैं, एजुकेशन, ज्ञान बांटने का जब हम काम करते हैं, तो अपना ज्ञान खुद ब खुद बढ़ता चला जाता है। ठीक है, यही सिद्धांत के कारण ही मैं अपने वीडियो बनाता हूँ, और मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि मैं वीडियो बनाता हूँ। अब लोगों को देखना नहीं देखना वो उनकी ज़रूरत और पसंद का विषय है। अच्छे अच्छे चैनल्स भी होते हैं और अच्छा अच्छा कंटेंट भी चैनल पे पड़ा हुआ होता है, लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगा कि अगर आप मनोरंजन के वीडियो ज़्यादातर देखते हैं तो उनसे बचें। एक बार पढ़ाई करना है, मनोरंजन तो जीवन भर करना है, बुढ़ापे में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो अगला लेसन था वो है द ब्लैक एरोप्लेन। ब्लैक एरोप्लेन का मतलब होता है काला हवाई जहाज। ठीक है, तो यहाँ पे हम यहाँ से शुरू करते हैं। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट। उत्तर में मून ऊपर आ रहा है, चंद्रमा ऊपर आ रहा है। बिहाइंड मी, मेरे पीछे। एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबोव मी, सॉरी, एंड स्टार वर शाइनिंग, स्टार्स, तारे चमक रहे हैं। क्लियर अबोव मी, मेरे ऊपर तारे चमक रहे हैं। इन क्लियर स्काई मतलब साफ आसमान में जो है तारे चमक रहे हैं। देयर वाजंट ए क्लाउड इन द स्काई, और आसमान में कोई भी बादल नहीं थे। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोंग हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड। मैं बड़ा खुश था कि मैं एक अकेला अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड, मतलब एक सोते हुए देश के ऊपर मैं अकेला गुजर रहा था, इसलिए मैं बड़ा खुश था कि देश सो रहा है और मैं निकल रहा हूँ। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। मतलब मैं अपने पुराने ओल्ड डकोटा, एरोप्लेन का नाम है, मैं अपने पुराने ओल्ड डकोटा को उड़ा रहा था और फ्रांस बैक टू इंग्लैंड, और फ्रांस से इंग्लैंड की तरफ मैं जा रहा था, बैक टू इंग्लैंड। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बींग विथ माई फैमिली। मैं अपनी छुट्टी के सपने देख रहा था और मैं अपने परिवार के साथ होने के लिए भी आतुर था कि मैं परिवार के साथ रहूँगा, छुट्टियाँ बिताऊँगा, इन्जॉय करूँगा। आई लुक्ड एट माई वॉच, मैंने अपनी घड़ी को देखी। 1:30 इन द मॉर्निंग, सुबह के 1:30 बज चुके हैं। 1:30 इन द मॉर्निंग, सुबह के 1:30 बज चुके हैं। चलो अब अगले पैराग्राफ से पढ़ते हैं, बड़ा छोटा सा लेसन है। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून, मैंने जल्दी से पेरिस कंट्रोल को कॉल किया।
आई थॉट, मैंने सोचा, एज आई लुकड डाउन पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन आई सा द लाइट ऑफ ए बिग सिटी। एज आई लुकड डाउन पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन, और जैसे मैंने नीचे देखा, पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन, और मुझे एक एरोप्लेन की पीछे आवाज़ सुनाई दी। आई सा द लाइट ऑफ ए बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने मैंने एक बड़े शहर के उजाले को देखा, एक चमचमाता हुआ शहर मेरे सामने मुझे दिखाई दिया। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो, मैंने रेडियो चालू किया और कहा, पेरिस कंट्रोल टावर डकोटा DS088 हेयर। मैंने पेरिस कंट्रोल टावर को फ़ोन लगाया, रेडियो चालू किया, वायरलेस किया कि यस द अकोटा डकोटा DS088 हेयर, कैन यू हेयर मी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं। आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड ओवर, मैं अपने रास्ते में हूँ, इंग्लैंड के ऊपर हूँ, क्योंकि फ्रांस इंग्लैंड आ रहा है। फिर उधर से आता है, द बॉयज़ फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीजिएटली, DS008 आई कैन हेयर यू, मैं आपको सुन पा रही हूँ, यू ought टू टर्न 20 degree बेस्ट नाउ DS008 ओवर। ठीक है, तो मैं आपको सुन पा रही हूँ, कंट्रोल टावर से एक लड़की बोलती, मैं आपको सुन पा रही हूँ, आप जो है अपने डकोटा को DS088 को 12 डिग्री से घुमा दीजिए, 12 degree बेस्ट नाउ, वेस्ट की तरफ घुमा दीजिए। ठीक है, मतलब दक्षिण की तरफ 12 डिग्री दक्षिण की तरफ घुमा दीजिए, क्योंकि चूँकि एयर में कुछ तो वहाँ पे रूट का सिग्नल है नहीं आपके पास, लेकिन आपके जो मशीन है उसमें घड़ी लगी हुई है, और घड़ी में वहाँ पे डिग्री कितने डिग्री पे आपको घुमाना, उतने डिग्री पे आप घुमा देंगे तो आपको उस दिशा में पहुँच जाएंगे जिस दिशा में आपको जाना है। फिर यहाँ से बात करते हैं, आई चेक द मैप एंड द कंपास, मैंने मैप और कंपास को चेक किया। स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक, और मैंने अपने दूसरे और तीसरे ईंधन के जो टैंक है उसको देखा। एंड टर्न द डकोटा 12 degree बेस्ट टुवार्ड इंग्लैंड, वो मैंने इंग्लैंड की तरफ 12 degree पर अपने डकोटा को टर्न कर दिया, मैंने सब चेक कर लिया, फ्यूल टैंक चेक कर लिया और उसे घुमा दिया। आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, मुझे लग रहा है कि आई विल बी इन द टाइम फॉर, मैं ब्रेकफास्ट के समय तक पहुँच ही जाऊँगा, क्योंकि 1:30 की बात है, सुबह सुबह 5-6 बजे पहुँच ही जाएगा। आई थॉट अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, उसने सोचा, मैंने सोचा कि मैं एक अच्छा इंग्लिश ब्रेकफास्ट करूँगा, इंग्लिश ब्रेकफास्ट इंग्लैंड में। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, इट वॉज एन ईजी फ्लाइट, एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, सब कुछ अच्छा चल रहा था, इट वॉज एन ईजी फ्लाइट, बढ़िया अच्छी ईजी फ्लाइट थी ये, अच्छी उड़ान थी, शानदार उड़ान थी। पेरिस वॉज अबाउट 150 kilometers बिहाइंड मी वैन आई सा द क्लाउड्स, जब मैंने बादलों को देखा था तो पेरिस यहाँ से 150 kilometers दूर था, पेरिस बिहाइंड मी व्हेन आई सा द क्लाउड, स्टॉर्म क्लाउड मतलब तूफानी बादल, देवर ह्यूज दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई, और वो कह रहा है कि जब मैंने देखा अब तो जो काले बादल हैं वो मेरे सामने दिखाई दे रहे थे, जो काला तूफान, बादलों का जो तूफान है मेरे सामने दिखाई दे रहा था, बहुत ही बड़ा। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम, अब मैंने सोचा कि मैं अब इसके ऊपर नहीं उड़ा पाऊँगा। एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई, और मेरे पास पर्याप्त फ्यूल भी नहीं, ईंधन भी नहीं है कि मैं उड़ा सकूँ। अराउंड देम टू द अर्थ, अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम, अब वो कहता है उनके आसपास बादलों के मंडराने के लिए, उड़ाने के लिए मेरे पास, नॉर्थ और साउथ उड़ाने के लिए मेरे पास पर्याप्त फ्यूल भी नहीं है। अब यहाँ पे आगे से देखते हैं, ठीक यहाँ से पढ़ रहे हैं अपन, ठीक। पेरिस वॉज अबाउट 250 kilometers
अराउंड 100, ठीक, यहाँ से पढ़ रहे हैं, कुछ बीच में टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई, नो प्रॉब्लम। आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस, अब मुझे पेरिस वापस जाना चाहिए। आई थॉट बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, मैंने सोचा परंतु मुझे तो घर जाना था। आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, मुझे ब्रेकफास्ट करना था, नाश्ता करना था। आई विल टेक द रिस्क, मैंने रिस्क लिया। आई थॉट एंड फ्ली द ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इन टू द स्टॉर्म, और मैं सीधा ओल्ड डकोटा तूफान में सीधा उड़ाता रहा। मैंने रिस्क लिया, अपने ओल्ड डकोटा को सीधा तूफान में उड़ाता रहा। इनसाइड द क्लाउड्स, बादलों के अंदर, एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक, सब कुछ काला काला हो गया। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनी थिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, यह बड़ा असंभव था कि कुछ भी एरोप्लेन के बाहर देखा जाए, कुछ भी देखा जा सके एरोप्लेन के बाहर। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर, जो पुराना हवाई जहाज़ था वो कूद गया और ट्विस्टेड इन द एयर, और हवा में ट्विस्ट कर गया। आई लुक्ड एट द कंपास, मैंने कंपास को देखा। आई कुडंट बिलीव, मैं विश्वास नहीं कर सकता था। आई कुडंट बिलीव, देखो ये भाई चला रहा है एरोप्लेन, और यहाँ पे इसका एरोप्लेन, ये ब्लैक ब्लैक बादल हैं, और यहाँ पे एक और एरोप्लेन दिख रहा है, ये देखो वन मोर एरोप्लेन, ये देखो एक और दिख रहा है, और ये बंदा उड़ा रहा है, ये ब्लैक डकोटा उड़ा रहा है, ओल्ड डकोटा, ठीक है, ये डकोटा उड़ा रहा है, ओल्ड डकोटा, एक और एरोप्लेन यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब अपन इसके आगे देखते हैं और क्या बात हो रही है यहाँ पे। द कॉम्पास वाज टर्निंग राउंड एंड राउंड, कॉम्पास राउंड राउंड करने लगा, ठीक है, एंड राउंड। इट वॉज डेड, मतलब ये ख़राब हो चुका था कंपास, अब दिशा का कोई ज्ञान पता नहीं चल रहा था, ये ख़राब हो चुका था। इट वुड नॉट वर्क, यह इसने काम नहीं किया। द अदर इंस्ट्रूमेंट वर सडनली डेड टू, दूसरा जो उपकरण था वो भी अचानक डेड हो गया। आई ट्राइड द रेडियो, और मैंने रेडियो को फिर से ट्राई किया। रेडियो उसने कंट्रोल, पेरिस कंट्रोल टावर को उसने लीड की, फिर से कॉल किया। पेरिस कंट्रोल टावर, कैन यू हेयर मी, देयर वॉज नो आंसर, द रेडियो वॉज डेड टू, रेडियो भी डेड हो गया, कोई आंसर नहीं था। आई हैड नो रेडियो, नो कंपास, एंड आई कुडंट सी वेयर आई वॉज, ना मेरे पास रेडियो था, ना मेरे पास कंपास था, और मैं ये भी नहीं देख पा रहा था कि मैं कहाँ हूँ खुद, ठीक है। फिर उसके बाद है, आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, मैं तूफान में खो गया था, लॉस्ट इन द स्टॉर्म। Then in the black clouds quite near me, और जो black clouds था quite near me, लगभग मेरे, quite near me, मेरे लगभग नज़दीक ही था, quite near me, I saw another aeroplane, और मैंने दूसरे aeroplane को देखा, तूफान में दूसरे aeroplane को देखा जो मैंने अभी बताया था। It had no light on its wings, और इसके जो wings हैं पंखे, उन पर कोई light नहीं लगी थी। But I could see it flying, परंतु मैंने उसे उड़ते हुए तो देख लिया था भाई। I could see it flying next to me through the storm, और तूफान के सहारे मैंने इसे उड़ते हुए देख लिया था। I could see the pilot's face, मैंने पायलट के फेस को भी देख लिया था। Turn toward me, मेरी तरफ वो घूमा, पायलट जो था उसके तरफ घूमा। I was very glad to see, और मैं देखकर बहुत खुश हुआ। Another person, he lifted one hand and waved, उसने एक हाथ उठाया और waved किया, ऐसे किया, हाय waved किया उसने। Follow me, और उसने क्या कहा, Follow me, he was saying, Follow me, उसने कहा मेरा, मेरे पीछे आओ, Follow me, he knows that I am lost, वह समझ गया था कि मैं खो गया हूँ। I thought he is trying to help me, मैंने सोचा कि वह मेरी मदद करने की कोशिश कर रहा है, he is trying to help me। उसके बाद क्या होता है, ही टर्न हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ, उसने अपने एरोप्लेन को आराम से नॉर्थ की तरफ मोड़ दिया, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ माई डकोटा, अपने डकोटा के सामने, सो दैट इट वुड बी इजियर फॉर मी टू फॉलो हिम, ताकि मुझे उसको फॉलो करना सरल हो, इजी हो, ताकि मैं आसानी से उसको फॉलो कर सकूं। I was very happy to go behind the strange aeroplane. वो मुझे बड़ी खुशी थी कि मैं अजनबी एरोप्लेन के पीछे पीछे जा रहा था, like an obedient child, एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह मैं उसके पीछे पीछे जा रहा था। फिर क्या हुआ भाई, After half an hour the
स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वाज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स। ठीक है, आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वाज स्टिल देयर, मतलब वहाँ पे वो शांत हो गया। मैंने देखा कि जो ब्लैक एरोप्लेन जो एरोप्लेन था वाज स्टिल देयर, वहाँ पे थम गया, रुक गया या स्थिर हो गया फ्रंट मेरे सामने इन द क्लाउड, वो बादलों में वो गायब हो गया। नाउ मतलब वहाँ पे वो चला गया, गायब हो गया। अब वो देखता है, अभी देखो अब देखता है, आगे करते हैं। देयर वॉज ओनली इनफ फ्यूल इन द ओल्ड डकोटा लास्ट टैंक टू फ्लाई और 5 or 10 minutes मोर। अब वो कहता है कि ओल्ड डकोटा में इतना ही फ्यूल था कि बस 5 to 10 minutes ही और उड़ सकता था। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील द फ्राइटन अगेन, मैंने दोबारा डरना शुरू कर दिया, फ्राइटन अगेन। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन, परंतु जैसे ही उसने नीचे जाना शुरू किया, एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म, आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म, और वो कहता है कि तूफान भी उसके पीछे पीछे ही आ रहा था। सडनली, अब यहाँ से देखते हैं, सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड एंड शा टू लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट इन फ्रंट ऑफ मी। अब वो कहता है जैसे ही मैं तूफान से बाहर निकला और मैंने सामने दो लाइटों की लंबी लंबी लाइन देखी, स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट। इट वॉज़ अ रनवे, ये रनवे था, एन एयरपोर्ट। दरअसल क्या रहता है, जहाँ रनवे होता है ना वहाँ पे दोनों साइड ऐसे लाइट लगे रहते हैं, इस टाइप के ऐसे ये जलते रहते हैं, ये लाइट लगे रहते हैं, ज़मीन में लाइट लगे रहते हैं। तो जब यहाँ पे एरोप्लेन, जब आप ऐसे, जब एरोप्लेन यहाँ से आता है, मान लीजिए ऐसे एरोप्लेन आ रहा है यहाँ से इस टाइप से, फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो एरोप्लेन ये यहाँ से आ रहा है उड़ते हुए, यहाँ से ऐसा आ रहा है, तो ये लाइट के बीच में उतार सकता है। ये लाइट ऐसे रहते हैं कि इन पर अगर एरोप्लेन का पहिया भी चढ़ जाए तो भी ये लाइट भी नहीं फूटते और एरोप्लेन में टकराते भी नहीं, क्योंकि ये ज़मीन में होते हैं। आजकल आपने देखा होगा रोड पर भी नीचे रेडियम के लाइट लगाए जाते हैं रात में, जिससे कि टर्निंग वगैरह पे जो है आसानी से हमें समझ में आ जाए। तो ये इस प्रकार के लाइट लगे रहते हैं ऐसे ऐसे रनवे पर, तो ऐसे उसने पट्टियों को देखा। ये खम्भे वाले लाइट नहीं होते हैं, ठीक है। सडनली आई केम ऑफ द क्लाउड एंड शाह द टू लॉन्ग द स्ट्रेट लाइन्स ऑफ द लाइट इन फ्रंट ऑफ मी। आई वॉज ए रनवे, इट वॉज ए रनवे एन एरो एयरपोर्ट, आई वॉज सेफ। वो कह रहा है कि आई वॉज सेफ, यहाँ से देखते हैं। टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन, आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड। अब वो लौटा, देखा कि मेरे ओल्ड एरोप्लेन को तो देख लूँ मेरे दोस्त के, बट द स्काई वॉज एम्पटी, परंतु स्काई तो खाली था। एंड देयर वॉज नथिंग देयर, वहाँ पर कुछ भी नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, जो ब्लैक एरोप्लेन था वो जा चुका था, जो ब्लैक एरोप्लेन था वो जा चुका था, वहाँ कुछ भी नहीं था, ठीक है। तो अब क्या है, ब्लैक एरोप्लेन तो जा चुका है, अब देखते हैं। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, आई कुड नॉट सी इट एनी वेयर, और फिर मैंने उसको कभी नहीं देखा। आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा नियर द कंट्रोल टावर। वो नीचे आया एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा नियर द कंट्रोल टावर। आई वेंट एंड आस्क्ड, अब वो उसने नीचे आया और अपने ओल्ड डकोटा को वहीं छोड़ के वो कहाँ गया, कंट्रोल टावर के पास गया, ओल्ड डकोटा नियर द कंट्रोल टावर। एंड अ वूमैन इन द कंट्रोल सेंटर वेयर, थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हो रही, जो वूमैन थी कंट्रोल सेंटर में वहाँ पे टावर, हाँ कंट्रोल टावर वेयर, आई वॉज एंड हु द अदर पायलट वॉज। तो उसने पूछा कि जो दूसरा पायलट था वो कौन था, दूसरा एक और पायलट जो पीछे पीछे मेरे आ रहा था वो कौन था। फिर वो आगे हो गया था, फिर इससे कहा पीछे आओ। आई वॉन्टेड टू से थैंक यू, मैं थैंक यू कहने चाहता था कि भाई वो कौन था दूसरा। सी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली, उसने अजीब तरीके से मेरे तरफ देखा। एंड देन लाफ, और हंसने लगी, उसने मेरे तरफ अजीब तरीके से देखा और हंसने लगी। अनदर एरोप्लेन अप देयर इन दिस स्टॉर्म, अप इन देयर स्टॉर्म, इन दिस ऐसे तूफान में दूसरा एरोप्लेन, नो अदर एरोप्लेन वर फ्लाइंग टुनाइट, कोई भी दूसरा एरोप्लेन आज रात नहीं उड़ रहा है।
नहीं उड़ रहा था. योर वॉज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द राडार. मैंने राडार पर देखा है कि तुम ही एकमात्र अकेले थे जो वहाँ पे उड़ रहे थे. सो ही हेल्प्ड मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट ए कंपास और ए रेडियो. तो वो जो है सेफली बिना कंपास और रेडियो बनाए हुए, विदाउट एनी कंपास और रेडियो, वो सेफली आ गए तुम कंपास और रेडियो. एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन द माई टैंक. सो हु हेल्प्ड मी. अब वो कह रहा है तो फिर हु हेल्प्ड मी, किसने मेरी मदद की, अराइव सेफली विदाउट कंपास, बिना रेडियो के, और विदाउट एनी मोर फ्यूल इन द माई टैंक. हु वॉज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन. काले एरोप्लेन में वो अजनबी पायलट कौन था, फ्लाइंग इन द स्टॉर्म विदाउट लाइट, जो कि बिना लाइट के तूफान में अपने एरोप्लेन को उड़ा रहा था. अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे. ये देखिए, ये बड़े आश्चर्यचकित होकर, ये जो पायलट है, ये कंट्रोल टावर की जो लड़की, इससे बात कर रहा है, लेकिन वो कह रही कि तुम्हारे अलावा वहाँ पर कोई भी एरोप्लेन नहीं था. इस लेसन को अच्छे से पढ़िए, इससे आप पढ़ना सीखेंगे, बार बार देखिए, स्पेलिंग सीखेंगे, और आपकी लेसन पर एक समझ बनेगी कि लेसन के अंदर क्या है. ठीक है, अपन इसके बाद क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं. थैंक यू वेरी मच.